हाई एवरी वन जय हिंद जय भारत जय माता दी वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मर्चन ने वी रिकॉर्डेड इट इज़ टाइम फॉर पे बैक आई वुड से सो एक टाइम था जब मैं कुछ नहीं था अभी भी कुछ नहीं वैसे तो एंड करणवीर डिड मी अ ग्रेट फेवर वेन ई मेड अ वीडियो विद मी ऑन हिस यूट्यूब चैनल विच मेड मी गो टू एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया आई वुड से और बहुत लोगों ने वीडियो देखा करणवीर एंड वहाँ से उन लोगों ने मुझे जाना सो टुडे दिस वीडियो इज अबाउट करणवीर बिकॉज करणवीर शेयर्स अबाउट मर्चेंट नेवी जहाज की लाइफ बट वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट द थिंग्स आई वुड लव टू वासमॉज मैं नहीं जता सो फर्स्ट ऑल थैंक यू वेरी मच करणवीर फॉर कमिंग आउट थैंक यू सो मच सर एंड आई एम वेरी हैप्पी मैं हाफ थ्री ईयर्स नाउ जानता हूँ वेर ही स्टार्टेड टू वेर ही इज इनज अकेडमी नाउ इट्स ट्रूली कमेंडेबल सर जर्नी बहुत लंबी है बट आई वुड से करनवीर इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है <laughs> उसका रीजन यह है कि आई स्टिल रिमेंबर यूट्यूब चैनल मचन रिकॉर्ड विद जस्ट वन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स एट दैट टाइम यू आर एट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड समथिंग लाइक जो मुझे याद आ रहा है नंबर और उस टाइम पर मैंने तुम्हारे यूट्यूब पे बनाया पड़ा था रोड टू हंड्रेड के सो मैंने सोचा था हंड्रेड के तो कभी होगा ही नहीं मैं तो तुम्हारा नहीं होगा अपना तो भूल ही गया था मैं जीवन में देन यू रीज हंड्रेड के टू डे यू आर एट फोर हंड्रेड से आए बट दीज आर जस्ट नंबर्स बट यू इन दिस वे यू इंस्पायर्ड पर्सन लाइक मैं कि यार अगर ये कर सकता है तो मैं भी कोशिश कर सकता हूँ शायद जो आज मर्चेंटी डिकोटेड में वन सिक्सटी के लोग एक लाख साठ हज़ार लोग भरोसा करके जो तुम्हारा बहुत बड़ा आता है थैंक यू वेरी मच फॉर देट सर नहीं सर आईज यू से नंबर बट द मेन पर्पज वॉज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विच वॉज की जब मैं अपने ट्वेल्थ क्लास में तो आई डिट नो शिप में क्या दिखता है ये सब सो दॉट आई नॉट सॉल्व दैट एंड एट द सेम टाइम थोड़ा स्किल बढ़ेगा बिकॉज यू लॉटेड टाइम ऑन शिप समाइम्स लाइक थ्री फोर आवर्स तो उसमें कुछ uh, करने का मन करता था बट इफ यू डोंट हैव एन हॉबीफ यू डोंट हैव अ हॉबी इट इज़ एक्चुअली वेरी डिप्रेसिंग समटाइम्स टू बी ऑन द शिप दिस इज माई पर्सनल आई एग्री माई पर्सनल थिंग सो आई थॉट ओके लेट्स टेक दैट मोमेंटम ऑफ कोविड वहाँ पर मैंने कहा ओके कैमरा उठाया एंड जस्ट स्टार्टेड ब्लैबरिंग कि क्या से क्या है क्या प्रोसीजर क्या है एंड टूडे वी आर हेयर एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई डिड अ वीडियो विद यू बिकॉज दैट ऑल्सो reached like you said the engineering department okay i was always covering deck department deck department you were the first chief engineer still now the only chief engineer who's on that video so uh, yes yeah, sir i'm really happy that up and you and i have reached a certain level where householders

जब शिप में ऐसे बैठे हो तो थ्री में ऐसे दिखता है यानी कि टू स्लाइड्स में और टू पिक्चर्स में कि यू you नो know, अच्छा वो डेरेक uh, है और एक ये है क्रेन जो आज तक है भी नहीं अब शिप में जनरल कार्गो शिप्स सो आई एम वेरी हैप्पी दैट द वीडियो मीडियम हैज पिक्ड अप एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वी आर एरिया ऑल्सो दैट मीन उस में उसमें आप यू कैन इमेजिन बट आई वॉन्ट टू एक चीज़ मैं यहाँ पर सबके सामने एक कन्फेस करना चाहूँगा yes. कि की मैंने बहुत सारी तारीफ करी है बट एक चीज है करणवीर के चक्कर में मुझे घर पर बहुत डांट पड़ी है करणवीर डू यू नो वाई जब मैंने मोर्चन यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो माई वाइफ वॉज द फर्स्ट वीडियो एडिटर दैट वी हैड सो वो यूट्यूब एडिटिंग सीखती थी एंड शी टू टू एडिट फर्स्ट वर एडिटेड वाइफ सो आई आई ओ हर हर लॉट डोंट से दैट मच तो वो मुझे कहती थी तुम्हारे वीडियो देखो करणवीर के वीडियो देखो hmm. तुम्हारी क्वालिटी क्या है कितनी बार कहती हूँ अच्छे से कैमरा पकड़ा करो अच्छा एक कैमरा ले लो इन्वेस्ट कर लो अच्छे से वीडियो बना लो देखो कितने अच्छे से बोलते है तुम देखो कैसे बोलते हो मैंने बोला भाग्यवान मैं ऐसा ही हूं मतलब तो, अब कैमरा कैसे पकड़ना है <laughs> <laughs> कैसे रखना है एंड दिस इज वेर आई वॉन्ट है कि हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ है वॉट करणवीर स्ट्रेंथ इज आई कैन नेवर हैव एंड मे बी जो मेरी स्ट्रेंथ शायद वो करणवीर धीरे धीरे डेवलप करे बट एनी वेज कमिंग टू द पॉइंट वाई दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देर इज वन क्वालिटी ऑफ करणवीर दैट आई एडमायर दैट सच ए यंग एज कैसे किया मुझे नहीं पता बिकॉज वेर आई रियलाइज की मेरे मेरे जीवन में मेच्योरिटी बहुत लेट आई है करणवीर मतलब धीरे धीरे वक्त ने थप्पड़ मारा हम थोड़े मैच्योर हुए फिर वक्त ने थप्पड़ मारा फिर हम थोड़े मैच्योर हुए बट वॉट आई रियलाइज बॉज की डे यू आर ऑन सोशल मीडिया यू ऑलवेज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेकोरम यू नेवर गोट इंटू एनी काइंड ऑफ चीप पब्लिसिटी यू नेवर गॉट इंटू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी थिंग लाइक इट वॉज मीडिया यू नेवर गोट इंटू एनी काइंड ऑफ गैंग थिंग you were always oriented towards your work still today when i see so many thousands of comments coming in your videos they are all of like good now how did you do that hmm. a good question sir uh, the biggest challenge in social media is the fame game and fame game agar comes and it takes you in your ego then you, the downfall starts that day so first important thing was why if you are coming on social media there has to be a reason behind it solid one सो इफ यू हैव द सॉलिड फाउंडशन तो ऊपर चाहे जो भी बनाओ वो गिर गया कोई बात नहीं बट द फाउंडेशन शुड भी देर सो माई फाउंडेशन इज माई प्रिंसिपल्स माई प्रिंसिपल आर वेरी स्ट्रेट ट्रस्ट ऑनेस्टी करेज एंड अ टोटल डिसिप्लिन लाइफ दीज फोर आर द कोर इसके ऊपर जो बनाना है दैट कैन कम गो कम एंड गो ये नहीं टूटना चाहिए सो आंसरिंग या क्वेश्चन कॉन्ट्रोवर्सीज ऑल ऑफ दिस इट ब्रोक द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट बिकॉज यू आर टॉकिंग समथिंग अबॉउट समन यू डोंट नो

लुक एट द होराइजन क्या चल रहा है देन अगेन फोकस चैनल चेंज द डायरेक्शन शिफ्ट देर सो दैट इज़ द विजन आई हैव ऑलवेज सो जो मेरा ये सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे ना सोशल मीडिया के फेम में ना मुझे किसी लोग से ऐसे uh, जैसे ब्रांड एंडोर्समेंट्स होते हैं चीप आई हैव सीन मैनी थिंग्स चीप थिंग्स हैपनिंग आई एम नो इंटरेस्ट आई एम नॉट देयर टू मेक मनी एज सच आई एम जस्ट देयर टू सर्व अ कॉज फॉर आवर फर्टर्निटी इन विच वी आर एंड देट इज़ हाउ आई हैव सस्टेन सो फार फोर ईयर्स ऑलमोस्ट Until now it has been like that nothing shaken still i am the same current with in 2020 starting when i started till now whatever the number is the current is the same the foundation rest number comes and goes doesn't

सो बट स्टिल समाइम्स कुछ एक आधे कमेंट्स आते होंगे हाउ डू यू हैंडल दैट लाइक माई से सिंपल आई जस्ट ब्लॉक दो पीपल फ्रॉम माई लाइफ अगर मैं इंस्टाग्राम पे किसी ने गंदी गंदी गाले लिखते लिखते बच्चे आई डोंट से एनी थिंग आई ब्लॉक दम यूट्यूब पे केंट आता है आई डोंट रिप्लाई किसी ने खराब लिखा है दैट मीस देर नॉट रिलेटेड टू मेर नॉट अंडरस्टैंडिंग वोट आई एम टू आई जस्ट बलॉक देम वट डू यू डू वॉट इज यजी सर माई स्ट्रैटेजी सर इफ अगेटिव कमेंट कम्स मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ कि फर्स्ट आप आए आपने क्लिक करके उसका पूरा टाइम दिया अपना दस पंद्रह मिनट और फिर आपने नेगेटिव लिया कोई बात नहीं इट इज़ माई फीडबैक इफ इट इज़ रिक्वायर्ड आई विल टेक इट इफ इट्स नॉट रिक्वायर्ड लाइक आई सेट थैंक यू वेरी मच कैरी ऑन नेक्स्ट टाइम इफ इट इज़ रियली अ नेगेटिव फीडबैक कुछ गलती कर दिए देन ही इज़ राइट दैट ओके आई नीड टू स्टॉप दैट और आई नी टू बी वे मोर ऑनेस्ट विद वॉट आई एम ट्राइंग टू अप्रोच सो इन जनरल इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू हैव नेगेटिव कॉमेंट दैट मीन्स द वीडियो इज रीचिंग टू ऑडियंसिस विच आर

इट इज द टाइम इट इज़ नॉट यू नो क्रिटिकल इफ इट इज़ क्रिटिकल एट यू डूइंग समथिंग रियली बैड कि आपने बहुत सेंटिमेंट्स हर्ट कर दिए ऑफ दैन यू आर रॉन्ग एंड दैट नेगेटिव कमेंट हैज़ टू कम टू यू सो इट इज इट इज़ गुड एंड बैड बट फॉर मी इट इज

फादर या कुछ बहुत अच्छा कर रहा हूँ जीवन में मेरा बट यू आर डूंगल जॉब बट कमिंग बैक अगेन टू यू कर लाइफ में अगर इफ ईज नॉट चेंज हिम सेल्फ डाउनफॉल शॉर्ट्स ये मैंने देखा है सुना है अलॉट ऑफ यूट्यूबर्स कंटेंट क्रिएटर्स आर चेंजिंग अभी रिसेंटली आई वॉच द वीडियो ऑफ प्रशांत किशोर इज अ पॉलिटिशियन एंड हीट मोदी जी हैज री इन्वेंटेड हिमसेल्स एवरी फाइव ईयर्स वॉट इज कैंपेन वॉज इन टू थाउजेंड टू वॉज नॉट इन टू थाउजेंड सेवन वॉट इज कैंपे वॉज इंडेन इट वज इन टू थाउंड फोटीन वॉट इज कैंपेन वॉज इन टू थाउजेंड फोरटीन वॉज इन नॉट इन टू थाउजेंड नाइनटी अब टू थाउजेंड नाइनटीन में जो कैम्पिन था वो टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर नहीं है एवरी टाइम इज रीवेंटिंग हिमसेल्फ सो वॉट डू यू फील लाइक यू हैव डन सम अमेजिंग वर्क अमेजिंग वीडियोज टूडे मैं जे एम डी अकेडमी तैयार बच्चों में बच्चे हैव ज्वाइंड जे एम डी अकेडमी बिकॉज दे वर इंस्पायर्ड बाई यू की मर्चेंट भी ज्वाइन करें So, now coming back to you. So, what is the next? Are you planning to reinvent yourself, do something new, or what's going on? Good question, sir. So, yes, uh, best part about our shipping industry is that you have time for yourself when you are back, if you don't have commitments. So, I am in that phase within the next 2 3 months. I am taking a step back from everything, and just going in isolation to understand what more I can. शिफ्ट में जैसे आई टोल्ड यू द डायरेक्शन राइट नाउ कमिंग बैक ओपनिंग अप द टोंग्स ऑफ ये जो भी कवर थे घोड़े के एंड नाउ लुकिंग एट द होराइजन इफ समथिंग इज देअ फोकसड द टनल विल स्विच फॉर द नेक्स्ट वन ईयर टू ईयर बट ट्राइंग इज इंपॉर्टेंट लाइक यू लाइक यू सेट अब मोदी जी यू हैव टू ट्राई इफ श्यूअर इन दैट फियर कि नहीं यही इस पे अगर अटैच हो गए कि यही ये इवेंचुअली इट लीड्स टू डाउनफॉल एंड द शेल्फ लाइफ दिस गेम विच वी प्ले ऑफ कॉन्टेंट Is a, has got a shelf life, just like a shelf life of an actor, a model, or a creative <coughs> person. so within that shelf life, you have to establish something. for you, it is the jmd academy, which is the establishment. for me, i'm still searching that ground. but the best part about life is nothing is always, nothing is stationary. even if you think it is stationary, it is not. right now, every second, things are sh shifting at a very high pace. that means you need to have focus in which way you want to change. यू कै नॉट बी स्टेग्नेंट एनी वेयर एज इट इज बट अ डायरेक्शन सो आई फोकस मोर ऑन डायरेक्शन नॉट ऑन स्पीड और एनीथिंग ऑन डायरेक्शन पिविट बोलते हैं ना पिविट सो दिवेट पॉइंट फॉर दैट यू नीड आइसोलेशन आई रेड मैनी थिंग्स अबाउट बिल गेट्स एंड मेनी ग्रेट पर्सनैलिटीज टू गो एन आइसोलेन फॉर मंथ्स के लिए मंथ्स के लिए जाके अपने थाट्स के साथ जब बैठो देर विल लॉट ऑफ क्लटर विच हैजू गो अवे दैन ओनली सम थिंग सम डायमंड विल शाइन And that you hold on to, which is your purpose, not others. It is you, you for you, and then you can serve it for others. Like you said, there are no free meals. For that, you need to have some establishment first to serve others also. Like NGO business, all of that also. It requires to have funding and all of that. Sorry, topic divert. Okay? No worries. No but the thing was this that you need certain time for yourself, and shipping gives that very much. In fact, too much. बट हमें लगता है कि वो डूमाचे बट एक्चुअली वी आर स्ट्रेस्ड एट शिप ऑन शिप सो वो वर्क एक्चुअली रुकता नहीं सो हियर वी हैव टाइम अदर कॉर्पोरेट कंपनीज आई हैव सीन मेनी ऑफ माय क्लोज पीपल दट दे हैव नो टाइम एक्चुअली वी थिंक दे हैव टाइम ऑन बट दे आर मोर इंटू लॉट ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स प्रमोशनल थिंग्स टाइमिंग्स वर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैफिक टाइम वेस्ट एंड पीपल ड्रीन देर एनर्जी अलॉट आई हैव सीन दैट एनर्जी इज सक इन पीपल कॉन्वर्सेशन और वेस्ट आउट टाइम सो दैट व डायरेक्शन शुड बी देर बाकी सब आ जाएगा सो आर राइट नाउ इन आइसोलेशन हाइबरनेशन रेस्टिंग इट आउट कमिंग बैक फुल थ्रॉटल एज सुन एज द डायमंड शाइन्स चलो आई गिव यू माई बेस्ट विशेज कुछ चीज़ें बताना चाहूंगा जब मैं ये चीज़ कर रहा था कि मैने क्या स्ट्रगल फेस माई माईट हेल्प यू एंड माई हेल्प अदर्स एज वेल वन इज अ बुक बाय साइमन सनेक दैट इज स्टार्ट विद माई मुझे अभी भी याद है मैन आई स्टार्टेड जे एम डी अकेडमी तो चीज़ें सही चल रही थी बिकॉज जे एम डी अकेडमी वॉज स्टार्टेड फॉर माई ओन सेल्फ भाई जब आप एयरप्लेन पर बैठते हो तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि जब भी हवा का दबाव कम होगा तो जब निकलेंगे hmm. वो मास्क एयर hmm. के तो पहले खुद को पहनिए फिर बच्चों को पहनाइए बगल में सो जे एम डी अकेडमी वॉज फॉर माई सेल्फ कि पहले मैं खुद का मास्क पहनू अब तो नौकरी नहीं करूँगा झाट right. में जाऊँगा तो पैसा कहाँ से आएगा राइट बट देन ऑलवेज समथिंग कि मैं लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ सो दैट वॉज वेर वेन मर्चेरी इन्फॉर्मेशन सबको जानी चाहिए सब तक चीजें पहुँचनी चाहिए इंटरेस्टिंग है चीजें अच्छी चलती चली गई सो ना बट जब मैं मर्चेरी स्टार्ट करना चाहता हूँ वाई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट वो बहुत स्ट्रॉग होना चाहिए yes, yes. अगर वो वाई स्ट्रॉग नहीं होता ना तो बहुत जल्दी हट जाते हो सो yes, वेन आई वॉज ऑन शिप समी रिकमेंडेड बुक कॉल स्टार्ट विदेड मैं शिप से साइन ऑफ करके आया तो मैं वो सात आठ दिन के लिए ना लाइक यू साइड नॉइस क्लटर मैं सात दिन के लिए आइसोलेन में था that was COVID time. Hmm. तो सात दिन जब मैं होटल में था hmm. मैंने पीछे टी वी का तार निकाल दिया मैंने बोला रूम में टी वी नहीं चलना चाहिए मैंने कहा तो निकाल के टी वी ले जाओ यहाँ से और मैं सात दिन सिर्फ वो किताब मैं और मेरे पास दो रजिस्टर मैं सिर्फ नोट्स लिख रहा था बना के hmm. मैं क्या करूँगा मैं क्यों करूँगा मैं क्या सोच रहा हूँ मैं कहाँ लेके जाऊंगा एंड टूडे वैन आई लुक एट दैटर एस था चीजें आसान कर दी है मैंने लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता yes. है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिया और अभी भी साठ परसेंट चीजें बची हैं और वो मैंने अगले दो साल की सोची थी आ, तीन साल होोर्टी परसेंट कर पा सो मच मोर टू डू बट दैट बुक हेल्ड मी आईडेंटिफाई माई वाई सो बुक खूब सारे नोट्स अकेलापन यस yes. जय माता दी एंड यू आर गोइंग टू डू वंडर्स इन लाइफ बिकॉज तुमने बहुत कुछ चीज़ें सीख ली हैं एंड एक चीज मैं सब लोगों से कहना चाहूँ जो कि कुछ अपना अलग सोच रहे हैं कि अगर आपने जीवन में एक आदत डाल ली कि मैं बहुत लोग कहता हूँ कि अगर कामयाब बनना है कि अगर आपको एक अंधेरे रूम में छोड़ दिया जाए और अगर आप खुद अकेले अपने दम पे बाहर आना सीख जाते हैं तो जीवन में कभी मार नहीं खाएंगे सो so, करणवीर नाउ यू आर अगेन फोर ईयर्स ऑफ ग्रेट फेम सक्सेस एवरी थिंग बट आई वॉन्ट टू गेट इन टू अगेन दैट डार्क रूम अगेन आइडेंटिफाई